स्मार्ट टेलीकॉम आपका अपना चैनल। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि DMDP ग्राउंड इस तरह के जो पॉइंट्स PCB के ऊपर बने होते हैं उसका किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर से किसी भी मोबाइल के अंदर, चाहे वो बैटरी कनेक्टर हो या फिर चार्जर कनेक्टर हो या फिर माइक के टिप्स हो, कोई भी टिप्स अगर उखड़ जाते हैं, कोई अगर नए टेक्नीशियन के पास मोबाइल जाता है और वो बैटरी कनेक्टर निकालने के वक्त या फिर चार्जिंग कनेक्टर निकालने के वक्त, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो प्रिंट्स आपको बता रहा हूँ, तो इस तरह के कुछ प्रिंट्स होते हैं। तो वो नया टेक्नीशियन वो बैटरी कनेक्टर या फिर चार्जिंग कनेक्टर को निकालने के टाइम पर इसके जो प्रिंट्स होते हैं वो उखाड़ देता है, तो वो मोबाइल फिर वापस से बनता नहीं है, वो कस्टमर को वापस दे देता है। तो दोस्तों ऐसे में हमको क्या करना है, अगर मोबाइल के PCB पर के जो टिप्स होते हैं अगर से वो भी अगर PCB पर से निकल जाए तो भी हम इस मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं इन पॉइंट्स की मदद से। दोस्तों ये कीपैड वाले मोबाइल और चाइनीज़ मोबाइल के अंदर ज़्यादातर आता है, इस तरह के पॉइंट्स आपको देखने में मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर मोबाइल के पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं आपको करीब से बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर DP, DM और V चार्ज करके लिखा है। तो दोस्तों ये जो होते हैं ये हमें चार्जिंग कनेक्टर जो होता है, अगर उसके PCB पर से प्रिंट्स उखड़ जाते हैं तो हम यहाँ से उसे जंपर लेकर डायरेक्ट हम चार्जिंग कनेक्टर को लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर VBAT करके लिखा है, जहाँ से हम डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर को यहाँ से सप्लाई जंपर करके हम सप्लाई दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक टच का मोबाइल है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर एक प्लस का पॉइंट है, जो हम VCHARGE जहाँ लिखा होता है वहाँ से हम प्लस, ये प्लस से लेकर के दोस्तों हम बैक साइड दे सकते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक बैटरी कनेक्टर मैं आपको शो कर रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप इस PCB में देख सकते हैं VBAT और PWK, GND और TX, RX इस तरह से कुछ लिखा है। दोस्तों ये जो होते हैं पावर की, PWK पावर की बटन के लिए होता है, अगर पावर की के पास आपको वोल्टेज नहीं मिल रहा है या फिर रीडिंग नहीं आ रही है तो आप यहां से डायरेक्ट जंपर ले सकते हैं और आपके पावर की पर वो जंपर लगा सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों ये देखिए VCHARGE लिख कर यहाँ पर है, आप देख सकते हैं VBAT लिख के यहाँ पर है, जो हम डायरेक्ट बैटरी को हम अगर बैटरी कनेक्टर निकालने के टाइम पे उसके टिप्स उखड़ जाते हैं तो हम यहाँ VBAT से वहाँ पर जंपर दे सकते हैं। दोस्तों ये देखिए मेरे पास काफ़ी मोबाइल्स है कीपैड वाले, जो चाइनीज़ मोबाइल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी इस तरह के डॉट्स बने हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है आपको कि अगर PCB पर से टिप्स उखड़ जाते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर चार्जिंग कनेक्टर है और यहाँ पर उसके टिप्स बने हुए हैं। तो दोस्तों हमें जो होता है जनरली चार्जिंग कनेक्टर निकालने के टाइम पे या फिर बैटरी कनेक्टर निकालने के वक्त इसके जो टिप्स होते हैं वो PCB पे से उखड़ जाते हैं, जिसके कारण वो जो न्यू टेक्नीशियन होते हैं जिसे पता नहीं होता है वो उसे रिपेयर नहीं कर पाते हैं और वो मोबाइल कस्टमर को वापस रिटर्न दे देते हैं। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर आपको जो बता रहे हैं, ये देखिए ये VBAT है दोस्तों, जो बैटरी कनेक्टर से हम डायरेक्टली यहाँ पर जंपर मार सकते हैं अगर इसकी प्रिंट अगर उखड़ जाती हैं। देखिए PWK पावर की होता है दोस्तों, PK या फिर PWK, PRKY इस तरह से लिखा होता है वो पावर की होता है, और D ये देखिए दोस्तों ये चार्जर कनेक्टर है और इसमें जो होते हैं 4-5 पिनें होती हैं, एक ग्राउंड होता है जनरली, एक NC होता है और एक VCHARGE जो होता है, यहाँ से आप डायरेक्ट जंपर उसका ले सकते हैं। DM और DP डाटा प्लस और डाटा माइनस दोनों तीनों जंपर यहाँ से आप ले करके डायरेक्ट चार्जिंग कनेक्टर को दे सकते हैं और आपकी चार्जिंग भी शो होना शुरू हो जाएंगी, चार्जिंग भी स्टोरेज होगी और साथ ही साथ मोबाइल PCB से कनेक्ट भी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के प्रिंट्स होते हैं, तो चलिए हम आपको चेक करके बताते हैं कि वाकई वो प्रिंट्स किस तरह से हमें ट्रेस करना है। ये देखिए दोस्तों आपको मल्टीमीटर को लेना है और एक VBAT पे रखना है और जो बैटरी कनेक्टर का हमें प्लस पे रखना है। जैसे आप प्लस पे रखेंगे, अगर आपका मल्टीमीटर बीप वाला है तो वो बीप देगा, यहाँ देख सकते हैं आप मेरे पास लाइट आ रही है बीप के साथ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए दूसरी जगह मैं रखूँगा दोस्तों, लेकिन उसके साथ आपको लाइट यहाँ पर नहीं जलेगी, बीप नहीं आएगी, लेकिन इसके साथ वाला जो पॉइंट होगा, जो टिप्स होगी वहीं पर देख सक रहे हैं आप, यहाँ पर उसके साथ ही लाइट यहाँ पर जल रही है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं चार्जिंग कनेक्टर के प्लस पे एक प्रोब रखता हूँ और
और चलिए यहाँ पर डॉट्स, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मुझे पहले ही जो है ना इतने सारे यहाँ पर डॉट्स है, लेकिन इसके साथ वाला जो टिप्स है वो ये टिप्स है जिसके साथ यहाँ पर बीप देगा वो मल्टीमीटर में। तो दोस्तों इस तरह से आपको सर्च करना है, अगर उसकी टिप्स उखड़ जाती हैं तो मोबाइल रिटर्न नहीं देना है बल्कि आप उसे रिपेयर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको और चेक करके बताता हूँ, यहाँ पर एक और मेरे पास चाइनीज़ मोबाइल है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर उसकी बैटरी कनेक्टर निकली हुई है, बैटरी कनेक्टर निकला हुआ है। तो इसका जो है दोस्तों ये नीचे वाला जो है आप देख सकते हैं, मैं करीब से बताने की कोशिश करता हूँ, ये बैटरी कनेक्टर का प्लस पॉइंट है और जो नीचे टिप्स दी गई है दोस्तों उसी का टिप्स है। अगर आपको अगर बैटरी कनेक्टर निकालने के टाइम पर अगर टिप्स उखड़ जाती है तो यहाँ से उसे आप जंपर दे सकते हैं। ये देखिए ये जो वीडियो है दोस्तों मेरे नए टेक्नीशियन भाइयों के लिए है, अगर कुछ एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं तो इसे आप कुछ ऐसा ना सोचें, जो नए मोबाइल सीख रहे हैं रिपेयर करना उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक्सपीरियंस वाली बात है। ये देखिए दोस्तों इसके साथ ये बीप दे रहा है, लाइट यहाँ पर इसके साथ जल रही है, इसका मतलब ये इसी का टिप्स है। तो इस तरह से आपको चेक करना है जो भी टिप्स आपकी उखड़ जाती है, चाहे वो बैटरी कनेक्टर की हो या फिर चार्जिंग कनेक्टर की हो या फिर माइक के जो टिप्स होते हैं वो उखड़ जाते हैं या स्पीकर या रिंगर किसी के भी टिप्स अगर उखड़ जाते हैं तो इस तरह से आपको चेक करना है दोस्तों। चलिए ये एक मोबाइल मेरे पास है, इसमें देखते हैं, चलिए मल्टीमीटर से मैं आपको चेक करके बताता हूँ। देखिए बीप की साउंड यहाँ पर आनी चाहिए आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको क्या करना है, मल्टीमीटर को बीप बजर रे डायोड रेंज पे सेट करना है और एक प्रोब वीबेट पे रखना है और दूसरा प्रोब जो है बैटरी कनेक्टर के प्लस पे रखना है। ये देखिए यहाँ पर आपको 3445 के आसपास रीडिंग आ रही है, चलिए मैं आपको रीडिंग भी कूल टेस्टिंग करके बता देता हूँ, 445 के आसपास रीडिंग आ रही है यहाँ पर। अब मैं इसके जो पॉइंट है टिप्स है उस पर रखता हूँ, देखिए सेम रीडिंग मिलेगी आपको, एक तो रीडिंग सेम मिलेगी, दूसरा आपको आपस में अगर आप रखेंगे दोनों के ऊपर प्रोब्स तो वो बीप देंगे, तो जिसके साथ वो बीप दे रहा है वो उसी के साथ कनेक्ट होगा। दोस्तों ये देखिए ये वाला ग्राउंड है इसका जो ग्राउंड के साथ बीप देगा, बीच वाला BSI है। दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं DM DP और वी चार्ज करके लिखा है, तो इसके प्लस पे आप देखेंगे तो वही रीडिंग मिलेगी आपको जो बैक। सो फ्रेंड्स लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।